કેમ છો? મજામાં. અરે મામા, 5 દિન પહેલે હમને એક વિડિયો બનાયા થા જિસમે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ કે ટોપ 5 શાર્પ શૂટરો કી બાત કી થી, જિસમે સંપત નેહરા, ટિનુ હરિયાણા, અક્ષય પલડા, અંકિત ભાદુ ઓર ભોલા શૂટર કે ખતરનાક કારનામે ઓર ક્રાઇમ કી પૂરી ABCD દર્શાઈ ગઈ હૈ. ખેર, આજ ઉસી વિડિયો કા દૂસરા પાર્ટ લેકર આયે હૈ. માના જાતા હૈ લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ મેં 1000 સે ભી જ્યાદા શાર્પ શૂટર કામ કરતે હૈ. और आज जिन शार्प शूटरों की बात होगी वे सारे शार्प शूटर कतई डेंजर और सन की लड़के हैं. अरे मामा, और एक बात, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, सो वीडियो जल्दी जल्दी में बना है तो वीडियो छोटा होगा, लेकिन हाँ, फिकर नहीं करने का वीरे, जानकारी सही होगी. तो शुरू करें उन 5 सबसे खतरनाक शार्प शूटरों की कहानी. अरे बाबा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक ऐसा शार्प शूटर है जिसकी बंदूक में इतना पावर है कि बड़े बड़े दादा लोग का सिस्टम फाड़ देता है. नाम है रविंदर राजपूत, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काली राजपूत उर्फ काली शूटर के नाम से बुलाते हैं. पंजाब के मोहाली का रहने वाला है काली राजपूत. लॉरेंस का कॉलेज यार है और लॉरेंस के इशारे अब तक कई वारदात को अंजाम दे चुका है. ये वही शख्स है जिसने साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई को पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से भगाया था. 8 सितंबर 2017 को बुडेलगांव निवासी मोहम्मद कलाम को किडनैप किया. वहीं सिक्कर में सरपंच रवि सरदार की हत्या करवाई. वहीं जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी हत्याकांड में उसका नाम आया. लूट, हत्या, विरोधी, रंगदारी, किडनैपिंग, हत्यारों की तस्करी का बेताज बादशाह माना जाता है काली राजपूत. करीब 2 दर्जन से अधिक केस में नामजद काली राजपूत पर 3 राज्यों की पुलिस ने 3 लाख का इनाम रखा था और आखिर में उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद से पकड़ा गया और जेल में बंद है. अब बात करें खुद लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की. वैसे तो अनमोल बिश्नोई को एक शूटर से ज़्यादा गेम प्लानर माना जाता है, क्योंकि वह अब तक कई बड़े बड़े हत्याकांड की साजिश रच चुका है. अनमोल बिश्नोई बचपन से ही अपने बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक इतिहास को देख कर बड़ा हुआ और फिर खुद अपराध के दलदल में फंस गया. पहली बार जोधपुर में एक डॉक्टर और एक ट्रैवल एजेंट से 6 करोड़ की रंगदारी वसूलने के मामले में अनमोल का नाम सामने आया था. वही आनंद पाल के भाई विक्की और अनमोल के बीच गहरी दोस्ती है. यही वजह है कि अनमोल ने राजस्थान में भी कई वारदातें की. वहीं गुड़गांव में ठाकरान ब्रदर्स की हत्या में अनमोल का नाम सामने आया था. वहीं मुसेवाला हत्याकांड में शूटर को पनाह देने में अनमोल का नाम सामने आया था और मुसेवाला हत्याकांड से पहले ही वह विदेश फरार हो गया. पुलिस इंटरपोल के जरिए आज भी अनमोल को ढूंढ रही है. अब बात करें उस शार्प शूटर की जो 19 साल की उम्र में 15 बार जेल गया, जिसे आज भी पुलिस ढूंढ रही है. जिला बीकानेर, थाना कालू का हार्ड कोर शार्प शूटर बोले तो रोहित गोदारा. रोहित गोदारा की गैंग में 100 से ज़्यादा पंटर काम करते हैं. वहीं रोहित गोदारा राजस्थान में ऑपरेट हो रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कार्टेल का मुख्य किरदार है. रोहित गोदारा के ऊपर 25 मुकदमे दर्ज है. राजस्थान के व्यापारी जुगल राठी से लाखों की रंगदारी मांगी, फिर भाजपा नेता पर गोलियां चलाई. वहीं सरदार शहर के सरपंच मग्नी देवी के देवर को टपकाया. सरदार शहर तहसील के गांव भुनकसर में 24 अक्टूबर 2019 की सुबह भीमराज चारण की हत्या करवाई. मुसेवाला हत्याकांड में जिस बोलेरो गाड़ी यूज हुई थी उसे भेजने वाला रोहित गोदारा ही था और जब तक पुलिस उसे पकड़ दी वो विदेश कल्टी मार लिया. आज भी उसकी तलाश जारी है. अरे मामा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बहुत सारे शार्प शूटर काम करते हैं. इनमें से एक नाम है विक्रम बराड़ का, जिसे हाल ही में पुलिस UAE से पकड़ कर लाई. विक्रम बराड़ राजस्थान के डिंगा गांव का रहने वाला है. विक्रम बराड़ का मुख्य काम था विदेश में बैठकर भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करना, जैसे टारगेट किलिंग, फंडिंग और नए नए छोकरे लोग को गैंग में भर्ती करना. मुसेवाला हत्याकांड में विक्रम बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ और शूटर के बीच कम्युनिकेशन सेंटर था. मुसेवाला हत्याकांड के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी दी थी कि तेरे बेटे का भी मुसेवाला कर देंगे. विक्रम बराड़ के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, जिनमें हत्या के प्रयास फिरौती शामिल है. बॉलीवुड के फिल्म निर्माता करण जौहर से भी 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी. आज विक्रम बराड़ जेल में बंद है. अब बात करें लॉरेंस गैंग के सबसे कम उम्र के शार्प शूटर अंकित सिरसा की. अंकित सिरसा जो हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है, जो 9वीं तक पढ़ाई खत्म कर अपराध के दलदल में घुस आया था. बताया जाता है मुसेवाला हत्याकांड के 6 महीने पहले ही अंकित ने लॉरेंस गैंग ज्वाइन किया था. इसके बाद उसने राजस्थान और सिरसा में 2 वारदात को अंजाम दिया. बताया जाता है अंकित ने मुसेवाला पर AK-47 से गोलियां दागी थी.
आज अंकित सिरसा जेल में बंद है। वीरे, सोचने वाली बात है ना, इतने कम उम्र के लड़के आजकल अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। ये लड़के आज हथियार क्यों उठाते हैं, क्यों क्रिमिनल बन जाते हैं? इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है क्या? चंद पैसों के लिए किसी को भी मार देना वाकई में देश के लिए ये गंभीर समस्या बन चुकी है। सरकार और समाज कुछ करे उससे पहले हर माँ बाप को अपने बच्चे को सुधारना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।